सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग और बिजनेसमैन लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन हाल ही में रोहतक रैली में एक दूसरी तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही रोहतक रैली में पहुंचे, तो उसके बाद उन्होंने एक शख्स को सीएम से फोन करवा कर अपने पास बुलवाया और जब रैली खत्म हो गई तो उस शख्स से मिले, उसे गले भी लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी ने आखिर इस व्यक्ति को फोन कर क्यों बुलवाया। चलिए आपको बताते हैं। इस व्यक्ति का नाम दीपक है। दीपक भाजपा कार्यालय में काम करने वाला एक कुक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी ने आखिर इस कुक को अपने पास क्यों बुलवाया। दरअसल साल 1995 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे, तो उस वक्त दीपक पीएम मोदी के लिए खाना बनाते थे। दीपक ने बताया कि पीएम मोदी को घिया की सब्जी और खिचड़ी खाना बहुत पसंद था और वह उनके लिए इसी तरीके का लाजवाब खाना बनाता था। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि वह मोदी की रैली में क्यों नहीं गए, तो दीपक ने साफ तौर पर कहा कि वहां पर सरकारी कार्यक्रम होने के चलते पास की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि कार्यालय में बैठकर ही मोदी जी को सुनता हूं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि खुद देश के प्रधानमंत्री का फोन उनके पास आने वाला है और खुद पीएम मोदी उनसे मिलने वाले हैं। दीपक ने बताया कि प्रधानमंत्री से मिलना वाकई में उनके लिए गर्व की बात थी और खुद जब पीएम मोदी ने उनको फोन कर बुलाया तो वह भावुक हो गए। तो कुछ ऐसे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने एक पुराने साथी को भी नहीं भूले हैं। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही अधिक खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए खबर इंडिया 7।